दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जॉन ऑस्बोर्न का प्ले लुक बैक इन एंगर एज ए किचन सिंक ड्रामा, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों लुक बैक इन एंगर एज ए किचन सिंक ड्रामा समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि किचन सिंक ड्रामा एग्जैक्टली में है क्या। दोस्तों किचन सिंक ड्रामा एक टाइप का ड्रामा है जिसमें ब्रिटेन के जो वर्किंग क्लास या फिर जो मिडिल क्लास के पीपल है उनका डे टू डे जो लाइफ था, जो लाइफ का जो कंडीशन था वो इस ड्रामा में दिखाया जाता है। दोस्तों अगर हम लुक बैक इन एंगर ये प्ले को पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो जिमी पॉटर है, जो प्रोटागोनिस्ट है इस प्ले का, और जो जिमी पॉटर का जो वाइफ है अलिसन, उनके बीच का जो रिलेशनशिप था, जो मैरिज प्रॉब्लम था, उनमें जो डे टू डे लाइफ कंडीशन था वो इस प्ले में दिखाया गया है। पूरा प्ले लिखा गया है इनके मैरिज लाइफ के जो प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यू है, जो डे टू डे लाइफ कंडीशन है उसके ऊपर। अब दोस्तों जिमी पॉटर जो प्रोटागोनिस्ट है वो एक वर्किंग क्लास से बिलोंग करता था, ब्रिटेन के जो वर्किंग क्लास है उससे वो बिलोंग करता था। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही एंगर रहता था क्योंकि उसके पास बहुत ही क्वालिफिकेशन था, बहुत ही हाईली एडुकेटेड था, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई जॉब नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी मिला नहीं था कि वो आपको अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो इसलिए ये हमेशा एंगर में रहता था, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। इसलिए जो जिम्मी है इसको एंग्री यंग मैन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि इसके पास क्वालिफिकेशन था, उसके पास मतलब मेरिट्स थे, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लुक बैक इन एंगर ऐसे किचन सीन ड्रामा है क्योंकि लुक बैक इन एंगर में वर्किंग क्लास के जो दो प्रोटागनिस्ट है जिम्मी और अलिसन, उनके डे टू डे लाइफ को इस ड्रामा में दिखाया गया है। डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो इशू है वो दिखाया गया है। और दोस्तों किचन सिंक ड्रामा का और एक फीचर है कि इसका जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो एंग्री यंग मैन होता है। तो हम अगर जिमी को देखें तो वो एक एंग्री यंग मैन था। अब एंग्री यंग मैन क्या है, एंग्री यंग मैन का दोस्तों मतलब यह है कि उस टाइम के जो ब्रिटेन का जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन था उससे वर्किंग क्लास के पीपल बहुत ही गुस्से थे क्योंकि उस टाइम पे जितने भी वर्किंग क्लास के पीपल थे, जितने भी यंग जनरेशन थे, उनके पास क्वालिफिकेशन था लेकिन उनके पास कोई जॉब, कोई अपॉर्चुनिटी थे नहीं। इसलिए सभी, ऑलमोस्ट सभी जो यंग जनरेशन थे वर्किंग क्लास के, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही एंगर में रहते थे। तो जिमी भी उसी तरह एक एंग्री यंग मैन है क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन था, मेरिट था, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं था। वो एक स्वीट स्टॉल से अपना जो सर्वाइवल वो करता था। तो इसी तरह अगर हम देखें तो लुक बैक इन एंगर एक परफेक्ट एग्जांपल है किचन सिंक ड्रामा का क्योंकि इसमें जिम्मी एक वर्किंग क्लास से बिलोंग करता था, उसका डे टू डे लाइफ को दिखाया गया है और वो एक एंग्री यंग मैन है। तो इसी तरह ये किचन सिंक ड्रामा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।